मैं आरती गर्ग। आज मैं आपको जो बच्चों की दूध की बोतलें होती हैं उसके कवर बताऊंगी। ये देखिए आस्तीन का कपड़ा है, ये मैंने इसको उतना ही लंबाई चौड़ाई ली है जितना कि उसमें सिंगल मिली है। इसकी उतनी ही 10 सेंटीमीटर और सिलने के बाद आधा सेंटीमीटर इसमें खाली जाता है अंदर, तो 10.5 सेंटीमीटर कपड़ा लेते हैं। ऊपर मोड़ने के बाद 7.5 तैयार है, तो आप 8.5 तक इसको ले लीजिए कपड़े। ये देखिए 9 है, ये कटिंग में थोड़ा निकलेगा। दस तैयार है, इस कपड़े को पहले बराबर कर लीजिए। ये देखिए ये कपड़ा एक तरफ से तो बराबर है, इस साइड से बराबर है, पर इधर से ये बराबर नहीं है। अब उसको ये निकाल दीजिए, ये निकल गया बराबर आ गया। अभी थोड़ा सा इधर से ऊंचा नीचा है ये कपड़ा, इसको बराबर करिए। इस कपड़े को लगा दीजिए, अगर ये पूरा होता हो, अगर ये छोटा हो तो आप और कपड़ा इसमें जोड़ के भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये पूरा कपड़ा बैठा है और कपड़ा बर्बाद भी नहीं जाएगा। ये देखिए बिल्कुल बराबर कपड़ा बैठा है। बस की आप गुलाई ले लीजिए, कैसे इसकी बनाते हैं। ये मैंने पतले कपड़े से बनाया है, वो मोटे कपड़े का था। वो थोड़ा बहुत अगर हो जाता है तो सिलाई में आ जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आएगा। पहले आप ऊपर से इसको मोड़ लीजिए, तो पूरा डिजाइन बना लीजिए जो आपको लगाना हो।
आप डिजाइन लगा रही हो उतनी बढ़िया। नीचे आप इसकी पट्टी लगा दीजिए, पट्टी मेरे पास पड़ी हुई है। यहाँ से सब टुकड़ों से बनाए जा रहे हैं, कोई ये नहीं कि मैंने इनको नए कपड़े से बनाया। छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं घर में तो सब चीजों में बच जाते हैं, ये चीजों से मैंने इनको बनाया। इसमें बेल्ट डाल के आपको दिखाते हैं कैसे इसमें बेल्ट लगती है। देखिए मेरे पास एक रिबन पड़ा हुआ था, उसके मैंने ये बेल्ट बनाई। जितनी बड़ी आपको चाहिए उतनी बड़ी आप डाल दीजिए इसमें। अब एक कपड़ा काट दीजिए, इस चीज में इसको खोल के मैंने रख दिया, इसमें डाल बोतल में आप दूध के डालिए बड़े बच्चे की, बिल्कुल आपका ही फिट बैठेगा। ये देखिए आप जितना बड़ा आपको रिबन चाहिए उतना बड़ा काट दीजिए और किसी चीज में आप ले लीजिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी लिखिए कि आगे मैं आपको क्या बताऊँ, क्या सीखना है आप लोगों को।